राधे कृष्ण दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठता होगा कि आखिर ये भूत होते हैं क्या, इनका जन्म कैसे होता होगा और इनकी आयु कितनी होती होगी, तथा हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूतों के बारे में क्या लिखा है, ये भी जानने के लिए आप उत्सुक होंगे। या आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि क्या भूत प्रेत पिशाच एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो आइए इन सारे सवालों का जवाब हम गरुड़ पुराण के अनुसार जानते हैं। तो हम आगे ये भी जानेंगे कि कौन से कर्म करने से हम भूत प्रेत पिशाच बने जाते हैं। फिलहाल हम ये जानेंगे कि भूतों के कितने प्रकार हैं और वो क्या है। तो क्या वाकई में भूत होते हैं ये भी जानते हैं। तो इसका जवाब है जी हाँ, 100% भूत होते हैं। इसका वर्णन गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है कि भूत योनि अस्तित्व में होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या भूत प्रेत पिशाच ये सब एक ही है या अलग है। तो गरुड़ पुराण के अनुसार बुरी आत्माएं 4 प्रकार की होती है और ये सब अलग अलग होते हैं। जो सबसे कम शक्तिशाली बुरी आत्मा होती है वो भूत होते हैं। इनकी संख्या दूसरी बुरी आत्माओं से ज्यादा होती है। दूसरी होती है वो होते हैं प्रेत। इनमें भूतों के मुकाबले ज्यादा शक्तियां होती है पर इनकी संख्या भूतों के मुकाबले कम होती है। तीसरे होते हैं पिशाच। इनमें चुड़ैल भी आती है। ये बुरे शक्तियों में शक्तिशाली होते हैं। भूत और प्रेत से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं पर इनकी संख्या बहुत ही कम होती है। चौथे और सबसे ताकतवर सर्वशक्तिशाली होते हैं ब्रह्म राक्षस। ये बहुत शक्तिशाली होते हैं पर इनकी संख्या ना के बराबर होती है या यूं मानो होते ही नहीं है। अब ये तो हो गए बुरी आत्माओं के वंश। अब हम ये जानेंगे कि इनका जन्म कैसे होता है और कौन से कर्म करने से हमें ये योनियां प्राप्त होती है। तो भूत वही बनते हैं जो मनुष्य आत्महत्या करते हैं। जैसे मान लो किसी मनुष्य की आयु 40 है परंतु उसने अपने 20वें साल में ही आत्महत्या कर ली, तो मृत्यु के पश्चात वो अपने बचे कुचे 20 साल इसी पृथ्वी पे भूत योनि में गुजारता है। ये ज्यादातर जिस स्थान पे आत्महत्या की थी उसी स्थान पे भटकते रहते हैं। कमजोर दिमाग वाले या जो भक्ति नहीं करते उनके ऊपर हावी भी हो सकते हैं। ये मंदिर जैसे पवित्र स्थान से 100 किलोमीटर दूरी बनाए रखते हैं। तो कमजोर लोगों पे काबू पाके ये अपनी बची कुची इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है प्रेत और पिशाच। प्रेत और पिशाच वो मनुष्य बनते हैं जिन्होंने जीवन में बुरे कर्म तो किए, साथ ही वैष्णव ब्राह्मणों की भक्ति में विघ्न डाला। वो अकाल मृत्यु मरते हैं और जो अकाल मृत्यु मरते हैं वो प्रेत बनते हैं। था ये कोई महिला करती है तो वो मृत्यु के पश्चात चुड़ैल योनि प्राप्त करती है। ये ज्यादातर शमशान में वास करते हैं। ये भूतों से भी शक्तिशाली होते हैं। ये भी पवित्र लोग तथा पवित्र स्थानों पे नहीं जा सकते। तो वही सर्वशक्तिशाली ब्रह्म राक्षस वो लोग बनते हैं जो ब्राह्मण होते हैं या भगवान की जो सेवा में होते हैं वो बनते हैं। भगवान के पैसे ऐंठ लेने से, भगवान के दान पेटी से खुद का भला करने से, भगवान का भोग खुद ही खा लेना बिना भोग लगाए हुए, तथा भक्ति से इन्हें जो शक्तियाँ प्राप्त होती है वो शक्तियाँ इन्हें ब्रह्म राक्षस के रूप में प्राप्त होती है। ये बहुत बहुत भयंकर होते हैं। केवल अपनी दृष्टि से ये किसी को भी मार सकते हैं। जो शुद्ध भक्त या भक्ति वाले लोग होते हैं उनपे इनका कोई असर नहीं हो पाता। ये इतने शक्तिशाली होते हैं कि ये मंदिर में भी आ सकते हैं तो भक्तों को ये हानि नहीं पहुंचा सकते। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सब हमें दिखाई दे सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है हाँ, अगर वो खुद चाहे तो वो आपको दिख सकते हैं, परंतु ज्यादातर वो अदृश्य रहना ही पसंद करते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों कि आपको ये आपके सारे सवालों के जवाब प्राप्त हो गए हैं। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।